अस्सलामुअलैकुम। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि हमारा लास्ट लेक्चर में एंड हुआ है। तो आज हम ये देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली फर्स्ट चैप्टर को हम कंप्लीट एक ही लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हम ये देखेंगे कि ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें किस किस टाइप के एमसीक्यूज और किस तरह से बन सकते हैं। तो ये तकरीबन कुछ कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर किए हैं मैंने एमसीक्यूज के हवाले से, तो कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एक क्वेश्चन बन सकता है पाई, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है कि पाई क्या है। अब अगर देखा जाए 22/7 और इसी तरह से हमारे पास एक और वैल्यू भी आती है 3.14 समथिंग और इसी तरह से एक और वैल्यू भी आती है। तो एमसीक्यूज़ में जो ऑप्शंस दी होती हैं वो तीन ऑप्शंस होती हैं जो कि करेक्ट होती हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में ना, तो लेकिन उसका करेक्ट आंसर कोई नहीं होता क्योंकि पाई की वैल्यू हम क्या करते हैं, हम उसको ख़ुद से राउंड ऑफ कर देते हैं। वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है पाई की, एग्जैक्ट वैल्यू तो बहुत ही लार्ज है जिसको हम नंबर लाइन पर भी शो नहीं कर सकते, लिख भी नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, ख़ुद से उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे कि हम 3.1414 समथिंग को ले लेते हैं, 3 डेसिमल पॉइंट तक 4 डेसिमल पॉइंट तक। तो इसलिए इसके जो करेक्ट आंसर है वो कोई नहीं है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा। दूसरे की तरफ चलते हैं Z1 Z2। अब ये मैंने जस्ट यहाँ पे हिंट लिखा है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। Z1 एक नंबर है जो कि कम्प्लेक्स नंबर है, a+b iota, और Z2 एक नंबर है, हम एग्जैक्ट नंबर ले लेते हैं, हम इसको एक जनरल टर्म में नहीं लेते, नंबर ही ले लेते हैं ताकि इसको एक्सप्लेन करना आसान हो। 2+3 iota और इस Z2 हमारे पास है 4+2 iota। तो अब वो कोई भी नंबर दे देता है कम्प्लेक्स नंबर, इसमें वो पूछता है कि Z1 ग्रेटर है Z2 से और Z1 लेस है Z2 से और Z1 इज इक्वल्स टू Z2 है, ठीक है, या नन ऑफ दीज। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अगर बेसिकली हम कॉन्सेप्ट में जाएं कि कम्प्लेक्स नंबर्स पर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, तो वो मैं थोड़े से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। उसमें हमने पेज नंबर 14 पे पढ़ा था कि ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट हमारे पास है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेक्चर में, तो यहाँ से मैं रीड करूँगा और बताऊँगा कि ये अगर हमारे पास क्वेश्चन है और पूछा गया है कि Z1 ग्रेटर है Z2 ग्रेटर है या दोनों इक्वल है या नन ऑफ दीज है, तो हम इसका कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो हमने देखा था कि a+b iota इज इक्वल टू c+d iota, यानी कि कोई भी नंबर होंगे, यानी कि इस तरह से कम्प्लेक्स नंबर ही है, बेसिकली हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, बाकी तो कोई चीज़ हम इसमें नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो a+b iota इज इक्वल टू c+d iota। ये फर्स्ट ऑपरेशन था जो कि हमने कम्प्लेक्स नंबर का पढ़ा कि कम्प्लेक्स नंबर ये दोनों इक्वल हो सकते हैं इफ़ कंडीशन हमने साथ पढ़ी थी कि a इज इक्वल्स टू c हो और b इज इक्वल्स टू d हो। मतलब क्या है कि हमारा रियल नंबर फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर के इक्वल हो और इसी तरह से इसका इमेजिनरी पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तब ये इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन ऐसी तो हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी। अगर सेकंड देख लें तो उसमें एडिशन पढ़ रहे हैं, थर्ड देख लें तो हम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फोर्थ देख लें तो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, फाइव देख लें तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सिक्स देख लें तो हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं। इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर का कम्प्लेक्स नंबर के साथ, लेकिन उसमें तो कंडीशन है कि a इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू d। तो अगर हम देखें 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4 एंड 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन दी होगी ये तो होगी रॉन्ग और ये वैसे रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज है।
कि हम कम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ एक सूरत में कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो और एक कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से इक्वल हो। आयोटा तो सेम होता है ना दोनों, तो इस कंडीशन में वो इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये था हमारे पास इसके बाद हम देखेंगे थर्ड नंबर के हमारे पास है अंडर रूट एन इज रियल देन एन इज सिंपल नंबर सिस्टम से, जो कि हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास नंबर सिस्टम यानी कि अंडर रूट एन इज रियल, कि अंडर रूट एन कोई भी नंबर है लेकिन वो रियल है, यानी कि एन इसका आंसर जो आता है ना वो रियल आता है, ठीक है। लेकिन हमने बताना है कि एन बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करता है, तो सिंपल इसका आंसर जब वो रियल है तो सिंपल सी बात है कि वो नेगेटिव नंबर नहीं होगा, और नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो वो कहाँ से होगा, होल अदा यानी कि होल नंबर्स, तो होल नंबर से, होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, रियल। तो एन बिलोंग्स टू होल नंबर। और इसके अलावा उसके बाद आ जाता है, हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि हमारे पास तीन नंबर्स का कंपैरिजन आता है, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, ए इज लेस देन सी। यानी कि सिंपल से एक प्रॉपर्टी थी कि ए लेस हो बी से और बी लेस हो सी से, तो बी तो सी से भी लेस है तो ए सी से भी तो लेस होगा, इनकी ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। इसका रिवर्स भी हमने पढ़ा था कि ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से, तो ए भी ग्रेटर होगा सी से, तो ये इस तरह। तो इसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है हम ये देखेंगे। तो अगर हम ये देखें इस तरह ग्रेटर और लेस वाली है तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों अप्लाई हो सकते हैं, सिंपल। ये तब आएंगे जब आपने प्रॉपर्टीज याद की होंगी, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो हमने प्रॉपर्टीज याद की होंगी तो ये हो सकता है। उसके बाद आयोटा को सॉल्व करने का तरीका सिंपल, नाइन्थ में भी पढ़ाया जाता है, आयोटा रेज टू पावर 91, इस तरह का भी एमसीक्यू आ सकता है, टू पावर 91। इसके साथ माइनस भी आ सकता है, यानी कि पावर में माइनस लिखा हो या इसके साथ माइनस लिखा हो, कुछ भी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल, आप इसको पहले इसकी पावर को ब्रेक डाउन कर लो, आप इसकी पावर को इवन नंबर में ब्रेक करो। अभी हमारे पास ओड है 91, तो मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, आयोटा रेज टू पावर 90 मल्टीप्लाई बाई आयोटा रेज टू पावर 1, ये सिंपल आयोटा लिख देता हूँ, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अभी हमारे पास आ गया आयोटा को सॉल्व करने का क्या तरीका था, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1, सिंपल ये। तो हम आयोटा को स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दोबारा ब्रेक डाउन करो तो ये हो जाएगा आयोटा स्केयर होल पावर, हमारे पास क्या आएगा 45, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब इसमें एक चीज़ कि फॉर एग्जाम्पल इसमें ये चीज़ आपको बतानी है कि अगर आयोटा स्केयर होल पावर 3 हो तो इसका मतलब और होता है, और आयोटा रेस्ट पावर 2 होल पावर 3 यानी कि विदाउट ब्रैकेट का मतलब और होता है। नाइन्थ में भी ये कॉन्सेप्ट बताया गया था, तो 3 2 6 तो ये आयोटा रेस्ट पावर 6 होगा, और 3 2 रेस्ट पावर 3, अब इसमें 2 की पावर 3 टाइम्स है, 2 1 2 2 2 4 4 2 8, तो इसमें क्या आएगा, इसमें 8 आएगा, आयोटा रेज टू पावर 8 यानी कि 2 की पावर 8 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने यही चीज़ इसमें यूज़ करनी है। अब ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 रेज टू पावर 45 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो 45। अब पावर अगर इवन होती तो माइनस खत्म हो जाता, सिंपल सी बात है, यानी कि अगर किसी चीज़ की माइनस वन पावर हो 4, ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, ठीक है, तो माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस वन, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस वन, तो प्लस वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू 1, यानी कि जब पावर हमारे पास इवन हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जो माइनस हो वो ख़त्म हो जाता है।
और इसी तरह से अगर पावर हमारे पास ओड हो तो माइनस खत्म नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, तो ये चीज़ अगर यूज करते हुए हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो अब इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये इसमें दो तीन चीज़ें देखें, पावर के लिहाज से ब्रेक डाउन करना और माइनस के इफेक्ट देखना पावर के लिहाज से, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। उसके बाद जो एक और एमसीक्यूज इस तरह का बन सकता है, ये सेम एज इट इज तो नहीं आएंगे, इस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी अयोटा वाला ही है, जो कि अयोटा डिनोमिनेटर में आ जाता है। डिनोमिनेटर में आप सबको पता है जब अयोटा आ जाए तो उसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट लेके हम उसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास सवाल क्या है, वो है वन माइनस अयोटा ओवर वन प्लस अयोटा रेज टू पावर 100। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। अब ए और बी की वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वन न्यूमिनेटर में वन माइनस आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा होल पावर 100 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा, यानी कि हमने इसको एक जनरल फॉर्मेट में चेंज करना है, यानी कि ए प्लस बी आयोटा में, और फिर हमें बतानी ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, सिंपल। तो अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसमें यह है कि डिनोमिनेटर में आयोटा आया हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये देखा था कि जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए हम उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम पावर सेम रहेगी, हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे कि ये सिंप्लीफाई होके इसका आंसर क्या आता है, जो आंसर आएगा हम उसको 100 की पावर के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका सिंपल सॉल्यूशन होगा, देखते हैं कैसे होता है जी। तो ये हमारे पास आ गया वन माइनस आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय वन माइनस आयोटा ओवर वन माइनस आयोटा पावर 100, ठीक है। अब ए प्लस बी ए माइनस बी वाला नीचे डिनोमिनेटर में फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। ऊपर वन माइनस आयोटा होल पावर 2 ओवर वन स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, इसके ऊपर लगाया ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी, ये फार्मूला इधर मैंने ओपन किया। ये ठीक है, अब ये ओपन था वन प्लस वन माइनस, इसको मैंने क्लोज कर दिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाले फार्मूले से। अब देखो इसको सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, ये मैं यहाँ पे लिखने लगा, तो फर्स्ट आप ऊपर वाला फार्मूला ओपन कर लेंगे, कौन सा फार्मूला होता है, ये हमारे पास होता है ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस का बी स्केयर, ये चीज़ मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। अब ये हमारे पास है तो वन स्केयर वन आएगा प्लस माइनस टू ए बी, माइनस टू इन टू ए हमारे पास वन है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास अयोटा है, और प्लस का बी स्केयर यानी कि अयोटा का स्केयर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये तो वन माइनस इंटू अयोटा स्केयर माइनस वन आ जाएगा, ये लिख दिया, क्लोज कर दो, पावर 100, और यहाँ पर भी पावर 100 आ जाएगा। अब इसको दोबारा से सॉल्व करो, ये हो जाएगा वन, अब टू मल्टीप्लाई बाय वन तो माइनस टू अयोटा, माइनस टू अयोटा, अब ये क्या आ जाएगा माइनस वन ओवर वन प्लस वन टू आ गया, ठीक है। तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसकी पावर 100, इसको अब दोबारा से सॉल्व करते हैं, प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल हो गया, तो माइनस टू अयोटा ओवर टू पावर 100, अब टू टू से कैंसिल हो गया, अब माइनस अयोटा पावर 100 हमारे पास सिंपल हुआ, माइनस अयोटा पावर 100। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने अयोटा को सॉल्व किया था, सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। हमने बताना क्या है, ए प्लस बी आयोटा की वैल्यूज बतानी है। पहले तो हम उसको क्या करेंगे, पहले तो हम ए प्लस बी आयोटा के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, ये चेंज तो कर दिया लेकिन इसमें पावर आ रही है, हम पहले पावर को ख़त्म कर लेंगे। तो इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब पावर को सॉल्व करने के लिए, अब ये था हमारे पास ये
ये हमारे पास था माइनस थीटा रेज टू पावर 100। इसको मैं करता हूँ माइनस वन, माइनस सेपरेट कर लेता हूँ, थीटा रेज टू पावर 100। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करूँगा, माइनस वन को रहने देते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आयोटा स्केयर रेज टू पावर 50, ब्रेक डाउन कर लिया क्योंकि 52 इज 100। अब मैं इसको करूँगा माइनस वन, आयोटा स्केयर माइनस वन पावर होती है, माइनस वन रेज टू पावर 50। 50 इवन है, इवन की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो वन आंसर आएगा, वन मल्टीप्लाई बाई माइनस वन होगा, तो क्या आंसर आएगा, माइनस वन। अब आयोटा तो खत्म हो गया। अब इसके साथ अगर हम देखें, इसका कंपैरिजन करें ए प्लस बी आयोटा के साथ, तो हमारे पास तो सिर्फ रियल नंबर आया। और अब रियल नंबर जब आ गया, तो हम रियल नंबर को सॉल्व करने के लिए, मतलब अब इसके साथ प्लस जीरो आयोटा होगा, तो अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू माइनस वन और बी इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा आंसर। मतलब इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल नहायत ही सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, अब इसी तरह से टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, हम इसको ज़रा सा स्पीड अप करते हैं, जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सारे जो MCQs जिस टाइप के बन सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम कवर कर सकें। अब उसके बाद आ जाता है वन प्लस आयोटा ओवर वन माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू वन। ऊपर पावर हमारे पास बी वन है जो कि के है, हमने बताना है कि के की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब पॉजिटिव अगर हो, ठीक, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमें इससे नहीं है, हमने तो ये देखना है कि क्या पावर होगी कि वन आंसर है, मतलब ये देखना है ना हमने। तो इस तरह वन प्लस आयोटा ओवर वन माइनस आयोटा, अब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है के इज इक्वल्स टू वन। अब इसको हमें सॉल्व करना है कि के की क्या पावर हो तो वन आंसर है। पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए वन प्लस आयोटा ओवर वन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा, यानी कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, वन प्लस आयोटा ये इशू कर रहा है इनका, तो ये आ जाएगा स्केयर ओवर वन माइनस आयोटा, तो वन स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, तो वन स्केयर माइनस आयोटा स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस वन, यानी कि माइनस वन आ जाएगा आयोटा स्केयर का, तो टू आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा वन प्लस टू आयोटा, फार्मूला में डायरेक्ट ओपन कर लो, माइनस का वन ओवर क्या आ जाएगा, ओवर हमारे पास आ जाएगा टू, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा टू आयोटा ओवर टू, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा की क्या पावर हो कि हमारे पास आंसर क्या आए, वन है, तो सिंपल आयोटा स्केयर अगर करेंगे तो हमारे पास तो माइनस वन आएगा, तो अगर आयोटा फोर कर देंगे, मतलब के की पावर फोर कर देंगे, यानी कि आयोटा फोर कर देंगे, तो हमारे पास वन आंसर आएगा, तो के का आंसर क्या होगा, वन। सिंपल हमने इसको सॉल्व किया। उसके बाद Z फाइंड इनवर्स। अच्छा, Z अगर कोई हमारे पास नंबर हो, कम्प्लेक्स नंबर, अगर हम उसका इनवर्स फाइंड करना चाहें तो कैसे हो, सिंपल हमने फाइंड क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है ना, तो इनवर्स, अब इनवर्स में अगर हम देखा जाए, दो चीज़ें आती हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है और एडिटिव इनवर्स आता है। अगर Z एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसका हम इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास, यानी कि अगर ये z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा है, ये एक नंबर है और इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो वन ओवर z, यानी कि वन ओवर ए प्लस बी आयोटा, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई होके कट जाएगा, और कटने के बाद आंसर क्या आएगा, वन। अच्छा, उसके बाद किस तरह का MCQ बन सकता है, वो बन सकता है ये नंबर नाइन पे, कॉस 30 प्लस आयोटा साइन 30 होल पावर 3। डी मोवर्स थ्योरम लगाओ, 3 की पावर ले जाओ, कॉस 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 हमारे पास 0 होता है, तो 0 प्लस 1 मतलब आयोटा आंसर आ गया, सिंपल। ये उनके कॉस 90 प्लस आयोटा साइन 90, तो कॉस 90 हमारे पास 0 होता है, 0 प्लस साइन 90 1 होता है, आयोटा इंटू 1, तो प्लस आयोटा, यानी कि 0 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आंसर, डिमोवर्स थ्योरम। ठीक है, अब 10 नंबर पे क्या है, 10 नंबर पे हमारे पास है
वन ओवर माइनस ए माइनस बी। अब वन ओवर माइनस ए माइनस बी क्या होगा, ये ज़रा इंक ख़त्म हो रही है और हम इसको ज़रा चेंज करते हैं पॉइंटर रेड कलर में। उम्मीद करता हूँ ये आपको नज़र आएगा व्हाइट बोर्ड पर। तो ये हमारे पास है वन ओवर माइनस ए माइनस बी। अब एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना। अब देखा जाए तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है जो कि उसके साथ प्लस हो के आंसर ज़ीरो कर दे। तो एडिटिव इन्वर्स यानी कि आएगा तो हमारे पास वन ओवर में लेकिन प्लस का ए और प्लस का बी, यानी कि इसी के साथ प्लस हो के हमारा ज़ीरो कर देगा आंसर। देखिए कैसे। अब ये अगर मैं वन ओवर माइनस ए माइनस बी से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो वन ओवर ए प्लस बी हो जाएगा। तो प्लस वन ओवर ए प्लस बी, ये वाली वैल्यू जो कि उसका एडिटिव इन्वर्स है, तो इनको सिंपल काट दो हमारे पास जीरो आंसर आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्स होता ही वो है जो कि प्लस होने के बाद इन्वर्स उलट एडिटिव ऐड होना, मतलब दोनों ऐड होने के बाद आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाता है। सेकेंड लास्ट हमारे पास है कि हमने इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये क्या है, टू एक्स प्लस थ्री वाई आयोटा इज इक्वल टू वन प्लस फोर आयोटा स्क्वायर। सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है, आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ कंपेयर करेंगे और दूसरे को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपेरिजन कर रहे हैं ना। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होता है, माइनस फोर हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का थ्री वन के साथ प्लस होने के बाद, यानी कि इसको अगर मैं यहाँ पे करूँ वन प्लस फोर इंटू माइनस वन तो वन माइनस थ्री माइनस फोर, तो आंसर आएगा माइनस थ्री। मैंने डायरेक्ट लिख दिया टू एक्स प्लस थ्री वाई अयोटा। अब अयोटा वाली उस तरफ वैल्यू नहीं है तो हम रियल को रियल के साथ कंपैरिजन करेंगे, प्लस जीरो अयोटा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास एक्स क्या आएगा, माइनस थ्री बाई टू, और वाई क्या आएगा, थ्री बाय अयोटा, अयोटा नहीं लिखेंगे कंपैरिजन में, इक्वल्स टू जीरो, तो वाई इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। सिंपल फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल को रियल के साथ कंपैरिजन करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। लास्ट सवाल है बहुत ही इजी, हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं फर्स्ट चैप्टर से ई कैट के टेस्ट में, ये लास्ट है बिल्कुल। तो इसमें क्या करना है, फोर आयोटा क्यूब प्लस सिक्स आयोटा फिफ्टीन। अब सिंपल आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले आपने ब्रेक डाउन कर लेना है, फोर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस सिक्स आयोटा फोर्टीन मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो आप फोर इंटू माइनस वन आयोटा कर लो प्लस सिक्स इंटू आयोटा स्क्वायर और सेवन कर लो मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब इस स्टेप को मैं ज़रा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर आयोटा, तो प्लस अब सिक्स सिक्स इंटू माइनस वन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस वन लिख दिया मैंने, तो पावर सेवन मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो माइनस फोर आयोटा माइनस का, अब माइनस नहीं लिखूंगा अभी प्लस ही लिखूंगा, प्लस तो माइनस सेवन, सेवन ओड पावर है, ओड पावर की वजह से माइनस वैसे ही आएगा, तो माइनस अगर आएगा तो सिक्स इंटू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब इसको देखो माइनस फोर आयोटा माइनस सिक्स आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टेन आयोटा। इस तरह के ये एमसीक्यूज होते हैं। नेक्स्ट हम इस तरह के एमसीक्यूज सेकंड हाफ चैप्टर में से डिस्कस करेंगे, ये मे भी हाफ चैप्टर ना हुआ हो, इसमें कुछ और भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें बताएं, अगर कोई इशू आता है किसी भी सवाल में तो